राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आमल की एकादशी से जुड़ी कथा के बारे में बताऊंगा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के सृजन के लिए भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वे स्वयं कौन है। इन्हीं सब प्रश्न के उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। काफी समय तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं से थोड़ी ही देर में एक आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि आपके आंसुओं से यह आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह पेड़ मुझे अत्यंत ही प्रिय रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जो कोई भी इस आमल की एकादशी का व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो यही थी कथा आमल की एकादशी की। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।